नमस्कार, मैं रीनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। इन दिनों औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव बदनावर क्षेत्र के दौरे पर हैं। वह गांव गांव भ्रमण पर जा रहे हैं, विकास कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं। मंत्री दत्तीगांव दौरे के दौरान ग्राम खेड़ा में अनोखे अंदाज में घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। दरअसल ग्रामीणों ने मंत्री दत्तीगांव का धूमधाम से स्वागत कर उन्हें घोड़ी पर बैठाया और उनका गाँव में जुलूस निकला। इस दौरान गाँव में जगह जगह पुष्प वर्षा कर मंत्री जी का स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री दत्तीगांव ने गाँव में कई विकास कार्यों के लोकार्पण व भूमि पूजन किए और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के राज्य में सभी वर्ग के लोग खुश हैं। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। बात है कि कुछ ऐसे विभाग होते हैं जहाँ से राजस्व प्राप्ति होती है, सब प्रदेशों को होती है, उसमें से आबकारी भी एक विभाग है। और पूरे देश में जो नीति है उस नीति पे कार्य होता है, तो नेतृत्व अगर तय करेगा तो सुरुधार्य होगा। महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। महंगाई तो मैं बचपन से बड़ा हुआ उसके साथ, जैसे मैं बड़ा होता रहा महंगाई भी बड़ी होती रही, अभी बड़े हुए ये तो निरंतर चली रही है, उसमें कोई इनकार करने की बात नहीं। लेकिन देखिए, कोरोना काल में शासन के पास बहुत कम ऐसे आधार रहते हैं जिससे राजस्व प्राप्तियाँ हो पाती हैं, हो सकती हैं, उनमें से एक ही है। फिर दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जो भाव है, मूल्य है, उसका भी कहीं ना कहीं इसमें प्रभाव पड़ता है। मैं मानता हूँ कि टैक्स उस पर है, काफ़ी है पेट्रोल डीजल पे, लेकिन वो टैक्स आज से नहीं है, वो हर सरकार में रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार। तो अगर विपदा है और वैश्विक विपदा है तो उस विपदा का सामूहिक सामना राष्ट्र करता है, हमारा राष्ट्र भी कर रहा है। केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं टैक्स फ्री कर हो जाए। तो मैंने आपसे कहा ना, ये एक सरकार में नहीं, कांग्रेस थी तब भी था, क्योंकि राजस्व प्राप्ति होती है उससे। आप सड़क भी चाहते हो, पानी भी चाहते हो, बिजली भी चाहते हो और कोरोना का फ्री इलाज भी चाहते हो और पेयजल का पैसा भी, सब्सिडी भी, मूल्य भी, तो इससे पैसा कहाँ से आएगा? कहीं ना कहीं से तो आएगा। तो राजस्व प्राप्तियाँ जहाँ से हो रही हैं वहाँ से सरकार कर रही है।